इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर से बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका। हेलो, हेलो, हाँ जी, क्या नाम है आपका, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं नई दिल्ली स्टेशन के पास से बात कर रही हूँ। मेरा नाम सहमिदा है। सहमिदा जी, जी बताइए आपका सवाल क्या है। मैं हकीम जी से बात करना चाह रही हूँ। जी बताइए फहमीदा, क्या सवाल है आपका। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, जीती रही। हकीम साहब, मुझे गठिया है। अच्छा, मैं आपके मतलब में आना चाह रही हूँ। ठीक है, मेरे मतलब का एड्रेस आप करोल बाग में आ सकते हैं और वो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर से ले लें। और मैं इसका भी आपको बताना चाहता हूँ, देखिए इसके लिए अगर घरेलू तौर पर इलाज करना है तो गोंद स्याह लीजिए और उसे पाउडर बना के अलग रख लीजिए, और अलसी लीजिए, ज़्यादा सी लेना 500-600 ग्राम, इसे हल्का सा भून कर पाउडर बना के अलग रख लीजिए, और एक चम्मच सुबह नाश्ते के बाद अलसी खाएं, उसमें आधा ग्राम या उससे कम ही गोंद मिलाकर खा लिया करें सुबह और शाम, और ये 100-200 ग्राम गोंद खरीद लें। और बेशतर ये तजर्बा है, ये अनुभव है कि इसके ख़त्म होने से पहले मरीज का ठीक होना मुमकिन होता है। इसी के साथ अब कुछ कॉलर्स जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। हमारे साथ सविता देवी जी हैं पंजाब से, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। नमस्कार जी। नमस्कार, आदाब आदाब सविता मेरे जी। गर्मैश की वो होगी, एलर्जी हो गई है बहुत ज्यादा जी। सारी खारिश खारिश ही खारिश हो जा रही है, आगे आगे बढ़ रही है। खारिश हो रही है? हाँ जी। एक चुटकी, देखिए ये चुटकी है, एक चुटकी खाने वाला सोडा पानी में मिलाकर रोज ले लिया करिए, आपको फायदा होना मुमकिन है। बात अगले कॉलर से कर लेते हैं। स्वागत है आपका। हेलो हेलो, हाँ जी, क्या नाम है, कहाँ से बात कर रही हैं? प्रियंका जी। हेलो मैम, नमस्ते, मेरा नाम प्रियंका है। हाँ जी ठीक है। मैं झारखंड से हूँ। और मेरा ये दिक्कत है कि मेरे ना हाथ और पाँव के तलवे हैं, उनमें ना पसीना आता है। एज क्या है आपकी? एज मेरा 14, 14 साल। 14? हाँ ठीक है बच्चा, आप बहुत छोटी उम्र की हैं, पसीना अगर बहुत ज़्यादा आता है तो उसका इलाज करें, थोड़ा सा आता है तो कोई बात नहीं, मेरे भी आता था। जब मैं छोटा था तो मेरे हाथ भीग जाते थे, पैर भी भीग जाते थे जब मैं 14 साल का था, तो फिर अगर इतना आता है कि रोग लगता है आपको तो फिर इसका इलाज कर सकते हैं। मोरिंगा का गोंद आता है सफ़ेद वाला, गोंद मोरिंगा सफ़ेद, आधा ग्राम रोज़ाना एक गिलास पानी या दूध में मिलाकर पी लिया करिए, 2-3 महीने लेना पड़ेगा। अगर ये रोग है, मैं तो चाहूँगा आप दवा ना लें, ये रोग है तो फिर ठीक हो सकता है। अगले कॉलर हैं मुंबई से, राजकुमार संतोषी जी, स्वागत है आपका। नमस्कार हकीम सर। जी नमस्कार हकीम सर, मेरे को थोड़ी लंबी बात करनी है, मैं नमस्कार करता हूँ आपको। लंबी बात करनी है नमस्कार करके? मैं हकीम साहब, मैं आपको बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं आपका पूरा प्रोग्राम देखता हूँ, चाहे तकलीफ हो या नहीं हो, मैं लेकिन घर में देखते हैं सब लोग। अच्छा अच्छा धन्यवाद भाई, बहुत जिस तरीके से आप बात करते हैं ना बहुत अच्छा लगता है इंसान, इसके साथ आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, जो आप दवा नुस्खे बताते हैं बहुत अच्छा लगता है, इसे देख के ऐसे बहुत सारे जरा नवाजी का बहुत सारा बहुत छोड़ा है। बताइए क्या और सेवा है मेरे लिए? मेरे नहीं घुटने से नस जाती है, पूरी घुटने से एक नस में ऐसे तकलीफ जाती है नीचे तक पैर पर। दर्दों का बड़ा अच्छा इलाज यूनानी में है, देखिए कैप्सूल टी केयर या तो लें सुबह शाम, और वेस्टर्न टॉयलेट होगा आपके घर में उसका उपयोग करें,
पुराने लोग वेस्टर्न टॉयलेट का उपयोग नहीं करते, थोड़ा बचते हैं, लेकिन नई सभ्यता के साथ हमें ढलना ज़रूरी है, तो होते हुए भी नहीं करते। और कैप्सूल टी केयर सुबह शाम नाश्ते के बाद आप लेना शुरू करें, और अगर भगवान को मेरी इज्जत प्यारी है तो आपको फ़ायदा ज़रूर पहुंचाएगा। एक महीने में फ़ायदा हो जाए तो 3-4 महीने आप लगातार दवा लें। और हौसला अफजाई के लिए आपका बहुत शुक्रिया, जर्रा नवाजी के लिए बहुत धन्यवाद, सलामत रहिए। नेक्स्ट कॉलर हैं दिल्ली से श्याम हमारे साथ, स्वागत है श्याम जी आपका। हाँ जी नमस्कार, से बात कर। जी जी बताइए, आदाब हकीम साहब। मैंने दवा ली थी इसके लिए आपके। बोलिए। गोंद, गोंद जी, काला गोंद। ठीक है, अब ये 20 दिन दवा खाई है और आराम आना शुरू हुआ है काफी। अच्छा, क्या क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा था कि कुछ क्या चीजों पर वगैरह के उसका ध्यान रखना है, क्या आप बताते हैं उसका? वेस्टर्न टॉयलेट का वो तो हो नहीं सकता, उसकी जगह कुछ और कर सकते हैं क्या? हाँ देखिए, वेस्टर्न टॉयलेट इसलिए बताते हैं कि घुटनों और कमर के दर्द में जब हम ज़मीन में बैठकर टॉयलेट करते हैं तो घुटनों और कमर पर ही असर पड़ता है। तो ऐसे लोग भी ठीक ज़रूर होते हैं, लेकिन टाइम बहुत लग जाता है। तो अगर हो तो आपके और आपके जो घर में बुज़ुर्ग होंगे, जो मेरी तरह बुढ़े होंगे, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, या जो मोटे लोग हैं, ज़्यादा हेल्दी हैं, उनको वहाँ पर बैठा नहीं जाता। तो ये लगवा लें तो बहुत अच्छा है। एक सीट आती है जो उसी जगह पर जहाँ पर आपका टॉयलेट है उसी में फिट हो जाती है, तो फ़ायदा तो आपको शुरू हो गया, लेकिन आपको थोड़ा देर से फ़ायदा हो सकता है या बार बार वही रोग हो सकता है। तो मैं सोचता हूँ क्यों ना वो बात बता दूँ जिसकी वजह से आपको जल्दी फ़ायदा हो, और आपको पता होना चाहिए कि इसमें एहतियात क्या है। तो आप लेना शुरू किया, अभी 20 दिन हुए हैं, इत्मीनान रखिए, ये अपने ख़त्म होने से पहले आपको रोग मुक्त कर सकता है। अगले कॉलर जुड़ी हैं करनाल से सरोज जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। नमस्कार मैम, मेरी मम्मी है, मतलब उनको ना अधरंग हुआ था। वो उनकी अब 2 साल हो गया, उनकी जैसे टांग होता बिल्कुल जैसे जुड़ सी गया, पेन बहुत होती है, बहुत रोते हैं वो। उम्र 75 साल है जी। हाँ देखिए, आपकी मम्मी के लिए आप लिख लीजिए, गोंद स्याह कहीं असली मिल जाए, नकली बहुत मिलता है, कड़वा होता है बहुत जायके में, और 100 ग्राम भी अगर असली मिल गया तो आधा आधा ग्राम सुबह शाम खिलाएं। और ये जो होता है ना वेस्टर्न टॉयलेट, आपके घर में ज़रूर होना चाहिए, नहीं है तो लगवा दें। आप बहुत प्रेम करते हैं ना अपनी मम्मी को, तो उनके लिए लगवा दें, वो अपनी ज़रूरत वेस्टर्न टॉयलेट पर पूरी किया करें। ये नहीं होगा तो बार बार वो होता रहेगा तकलीफ़, दवा उनको अच्छा करेगी और आप उन्हें फिर ये जो दूसरा टॉयलेट होता है वो उसे फिर ख़राब कर देता है। या कैप्सूल टी केयर, टी फॉर टाइगर, कैप्सूल टी केयर सुबह शाम देना शुरू करें, आपकी मम्मी को फ़ायदा मुमकिन है। इसी के साथ अगले कॉलर से बात कर लेते हैं, स्वागत है आपका। जी हेलो, एक ही जैसा सवाल बोल रहे हैं। हाँ जी 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 बताइए। आदाब आदाब सवाल साहब। हेलो जी जी बताइए। हेलो अकीम जी, ऐसा है कि मेरी वाइफ का साइटिका का दर्द ठीक हो गया था। साइटिका का दर्द? जी हाँ, कैप्सूल एस केयर लिया था 4-5 महीने, उससे ठीक हो गया था। जी जी ठीक है ठीक है, तो फिर तकलीफ नहीं है तो मत लीजिए, कभी दोबारा हो तो ले सकते हैं। ये एस केयर अच्छी दवा मानी गई है, और सुबह शाम लेने से किसी को भी जोड़ों में दर्द हो और घुटनों में दर्द हो, मोंढे में दर्द हो, कहीं भी दर्द हो, मैंने अपने जीवन में इससे बेहतर दवा नहीं पाई। और अब अगर दर्द हो तो कभी ले सकते हैं, और वेस्टर्न टॉयलेट का एहतमाम ज़रूरी है हर घर में। और तो कोई सवाल नहीं आपका? मेरे
मेन यही सवाल है हमारा, उनको वही मासून आर केयर दे रहे हैं अभी एक टाइम? ज़रूर दीजिए, अपने घर के हर शख्स को माजून आर के ज़रूर खिलाइए। जब तक हमारा भारत इस जो संक्रमण कहते हैं इससे पाक ना हो जाए, ये जो महामारी चल रही है, हर किसी को अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ज़रूर माजून आर के एक खुराक ही दें। आप भी लें, बच्चों को भी दें, बच्चों को आधी खुराक और आप लोग एक खुराक ज़रूर लिया करिए। चाहे आपको किसी को भी एक रोटी कम खानी पड़े, लेकिन इस वक्त अपना बचाव करना बहुत ज़रूरी है। अगले कॉलर आगरा से कुसुम सक्सेना जी, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो जी कुसुम जी, सवाल क्या है आपका? नमस्ते मैडम। नमस्कार डॉक्टर। नमस्ते। आदाब। मैं डॉक्टर ये पूछना चाह रही थी, मैंने ना जैतून का सिरका मंगाया था, उसका लेने का क्या तरीका, लेना किस तरह, कैसे लेना है मुझे? किस रोग के लिए मंगाया था आपने? जैतून का सिरका मंगाया था डॉक्टर मैंने दिल्ली आपके वहीं से। डायबिटीज के लिए मंगाया था? नहीं, मेरे को नींद नहीं आ रही थी इसके चक्कर पर से। ठीक है। और एक मेरा यह डॉक्टर कि मेरे पैरों में ना दाग बहुत हो रहे, एक सही होता है दूसरा दाग निकल जाता, दूसरा होता तो तीसरा दाग निकल जाता है, दाग हो रहे हैं। ठीक है। ये आप तीन चार चम्मच पानी में मिलाकर, छोटे चाय के चम्मच, रात को खाने के बाद आप ले लिया करिए। और इसकी तासीर ये है कि आज से आप लेंगे तो आज से ही फ़ायदा शुरू करेगा और बहुत जल्द आपकी नींद ना आने की शिकायत दूर हो सकती है। आप पहले दिन से ही इतना इत्मीनान होगा, सुकून बहुत देता है, दिमाग को सुकून देता है। और आप आज से शुरू करेंगे, आप देखेंगे कल से ही आपको फ़ायदा होगा। हो सकता है आपका दोबारा फ़ोन आए ये बताने के लिए कि आपको फ़ायदा शुरू हो गया। दांत के लिए आप ये जो खाने का सोडा है इसमें आधी चुटकी मिला लिया करिए जैतून के सिरके में रोज़ाना, आधी चुटकी मतलब ये, तो आपका दांत भी ठीक होना मुमकिन है। आइए बात करते हैं अगले कॉलर से, स्वागत है आपका। ओम प्रकाश जी स्वागत है आपका। हेलो अकीम साहब, मैं जो है मेरी उम्र है 72 साल के करीब। वाह बहुत अच्छे। और मेरे जो पैर हैं इसमें टखने से नीचे इसमें जलन सी रहती रहती, पर्त सी चढ़ी रहती है, जैसे तो कोई मैंने चावल का मांड हो उसमें पैर दे दिया हो, इस तरह से जो है वो रहती है और इसमें दर्द रहता है शाम को और सुबह, और मेरे हाथ कांपते हैं। ठीक है। अच्छा देखिए, दोनों रोग के लिए मैं घरेलू नुस्खा बताता हूँ और एक इलाज, एक दवा भी बताता हूँ। खूब अपना ऐसे ही ख्याल रखा करिए। आप हमारे लिए बहुत सम्मानीय हैं क्योंकि आप हमसे ज़्यादा उम्र है और हमसे ज़्यादा आपने दुनिया देखी है। देखिए इस उम्र में ये हमारे डिस्क में रगें दब जाती हैं कमर में, और होता क्या है कि हमारे या तो पैरों में जलन होती है या दर्द होता है या खिंचाव होता है और या सुन होने लगता है, और हम अपने पैरों का इलाज कराते रहते हैं। ये पैरों का इलाज नहीं, कमर का इलाज होगा, और इसके लिए MRI भी करा सकते हैं आप। तो यहाँ पर रगें दबी होती हैं। देखिए घरेलू नुस्खे के तौर पर गौंसिया अगर असली मिल जाए, गौंसिया नकली बहुत मिलता है काला गौन, और ये 100 ग्राम भी अगर आप खरीद लें, 100-200 ग्राम खरीद लें बस, और आधा आधा ग्राम सुबह शाम खाने के बाद पानी से बगैर चर्बी के दूध से, या आप ले सकते हैं शुगर नहीं है तो जूस से भी ले सकते हैं, और यह तो ये लीजिए। अगर ये असली मिल जाए, ये नकली बहुत मिलता है, कड़वा बहुत होता है, और या फिर कैप्सूल टी केयर, टी फॉर टाइगर, कैप्सूल टी केयर सुबह शाम लें, और देखिए 5-6 महीने लेना पड़ेगा। इस उम्र में दवा थोड़ा कम काम करती है हमारी बॉडी पर, 1 महीने में 10-20% फ़ायदा हो सकता है, और ऊपर वाला चाहे तो इससे ज़्यादा भी हो सकता है। अगर जल्दी भी फ़ायदा हो तब भी 4-5 महीने ज़रूर लेना, आपको फ़ायदा मुमकिन है।